जिना यूनिवर्सिटी की फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट्स जो कि मीडिया साइंसेज की स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आज मेरा एक स्पीकिंग सेशन है जिसमें मैं अपनी स्टोरी उनको बताऊँ जहाँ से मैं इंजीनियरिंग से एक यू नो आई हैव बिकम अ मीडिया पर्सन और जर्नलिज्म की तरफ मैं किस तरह से आई हूँ, साथ ही साथ मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो कैसे हैं मीडिया में रहने के हवाले से, मेरी क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या फ़ायदे हैं मीडिया में रहने के, क्या नुकसान हैं, क्या डेली बेसिस पे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। So it feels like really good when you have such posters and such posters all around the university. वो ख्वाहिश आपके दिल में आती हो जिस जिसने आप पर हाथ उठाया है, I'm damn sure कि दिन में एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा ऐसा जरूर होता होगा, ऐसा वक्त जरूर आता होगा जब आप ये सोचते होंगे I wanna be something, I wanna be like that, I want to be successful, ऐसा होता हो। और ये कुछ ख्वाहिशात ये ड्रीम्स ऐसी होती हैं जिनका जिक्र हम खुले आम बैठ कर नहीं करते या हम लोग कभी अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मॉडर्न फैशन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली इट्स अ मुस्लिम कंट्री और यहाँ की मेजॉरिटी जो लड़कियाँ हैं अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में दे वेयर हिजाब एंड दे डू स्कार्फ्स, लेकिन मसला यहाँ पर यह कि यहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक उसी तरीके से इन नहीं किया गया लड़कियों को हिजाबीज को जिस तरह से किया जाना चाहिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज नीड ऑफ मॉडर्न फैशन इन पाकिस्तान। मॉडर्न फैशन इज़ समथिंग जिससे ऑब्वियसली आपके बॉडी पार्ट्स रिवील नहीं हो रहे होते, एंड यू लुक गुड एंड यू कैन लुक स्टाइलिश, आप अपने आप को कवर्ड रखते हुए आप स्टाइलिश भी लग सकते हो, तो ये एक सेंस डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों में। और ऑल्सो जो क्रिटिसिज्म लड़कियाँ फेस करती हैं स्कार्फ करने वाली उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब जितना ज़्यादा हम लोग इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक नॉर्म है, हम लोग हिजाबीज के बारे में कोई बात भी करेंगे ना तो लोग इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लोग कहते हैं कि पीपल रियली क्रिटिसाइज ऑन दिस कि अच्छा फिर दे वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट, अगर आप स्कार्फ कर रहे हो तो दे वॉन्ट यू टू बी द परफेक्ट मुस्लिम, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर मैं स्कार्फ कर रही हूँ मेरे थोड़े से बाल दिखे हुए हैं तो डिस्पाइट ऑफ अप्रिशिएटिंग व्हाट आई एम डूइंग दे विल क्रिटिसाइज ऑन दिस, सो दैट्स व्हाट समथिंग आई बिलीव कि इसे ख़त्म होना चाहिए और हम लोगों को एक्सेप्टेंस का जो एक जेस्चर है वो यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, एंड मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री नीड्स टू ग्रो इन पाकिस्तान। सो या दिस इज़ द रिकॉर्डिंग रूम ऑफ बहुत अच्छा इन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, इससे पहले मैंने विजुअल रूम देखा था, एंड दिस इज़ आई गेस द रिकॉर्डिंग रूम, यहाँ पर आई गेस इंटरव्यूज़ होते हैं रिकॉर्ड, और यू गाइस कैन सी जिन्ना यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग अमेजिंग, जो माहौल यहाँ पर दिया हुआ है लड़कियों के लिए सीखने के लिए, एंड वंस जब इस तरह का इन्वायरमेंट आप देखते हो तो उसके बाद होता ये कि वैन यू गो टू द न्यूज़ चैनल्स आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दी स्पॉटलाइट्स एंड एवरीथिंग। So guys, I'm going back to home after my lecture in Jinnah University, और मेरा जिन्ना यूनिवर्सिटी की गर्ल से बात करके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज मेरा एक सेशन था जिसमें मैंने उनसे उनको अपनी जो स्टोरी है वो एक्सप्लेन की, दैट हाउ आई जंप्ड इनटू मीडिया फील्ड, और मेरा जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरी स्ट्रगल्स हैं। जिन्ना यूनिवर्सिटी की गर्ल्स नो डाउट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और जिस तरह से वो काम कर रही हैं, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो सेटअप है, इट्स सो अमेजिंग। आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी एज़ वेल, और आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम सो हम्बल्ड जो हॉस्पिटैलिटी जिन्ना यूनिवर्सिटी ने, वहाँ की टीचर्स ने, वहाँ के स्टाफ ने और वहाँ के स्टूडेंट्स ने शो की। सो इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, और लड़कियों से बात करके स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज
جب ہم لڑکیوں سے سمپلی بات کرتے ہیں, لڑکے نہیں ہوتے, کھلے انوائرمنٹ میں ان کے ہر طرح کے سوال کا جواب دینا, ان سے ہر طرح کی بات کرنا, اٹس بن سو سو امیزنگ. اور I really hope so to look I'm looking forward to stay in touch with these girls inshallah, aur I'll be making more vlogs as well. This was one of my first vlog jo ki maine socha ki aaj main banati hu. I hope so ki aap logo ko pasand aaya hoga, aur mazid vlogs ke liye stay in touch, stay tuned, do subscribe my channel. Asra Amir here, signing off. Allah Hafiz.